नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोवाइज पे। जीबी के पावर का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। अगर देखते तो 8.68 पैसे के आसपास जो जीबी के पावर का शेयर का प्राइस चल रहा है। कंपनी का जो बैंक करप्ट को लेके अपडेट आया है, जहाँ पे एनसीएलटी ने जीबी के पावर को मतलब बोला कि एक बैंक करप्ट है, क्योंकि जितने लोन्स लिए थे जीबी के पावर ने या फिर जीबी के पावर की जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने, उसका लोन्स जो है रिपेमेंट नहीं किया है। तो इसके चलते जो बैंक से लेंडर से बोल सकते हैं, जो लेंडर से उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया था, तो एनसीएलटी ने जो अभी इसके ऊपर अप्रूवल दे दिया है जीबी के पावर को, वो अमाउंट जो है पे करना है या फिर को बैंक करप्ट डिक्लेयर किया गया है। तो अभी यहाँ पे जीबी के पावर में देखेंगे दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन लोगों ने ज्यादा प्राइस में जीबी के पावर के शेयर में खरीदारी करके रखा है। हमेशा जो है देखने मतलब देखते हैं तो शेयर में जब हम लोग खरीदारी करते हैं तो उसमें एक बार डिटेल्स में समझना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कर रहा है, कंपनी का मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनी को लेके और टेक्निकली शेयर्स कैसा है, फंडामेंटली कैसा है, ये सारे डिटेल्स देखने के बाद ही दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे देखते तो जीबी के पावर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेगा, शायद से उन लोगों ने ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। तो हमें लगता है कि एक बार बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए अगर आपके पास जीबी के पावर का शेयर है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं जीबी के पावर का शेयर का जो प्राइस है 8.68 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो जीबी के पावर में क्या चल रहा है, टेक्निकली शेयर कैसा है, तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, तो स्किप मत कीजिए। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। जीबी के पावर के शेयर का प्राइस दोस्तों आप देख सकते हैं 8.68 पैसे के आसपास पहुंच गया है, मतलब जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है जीबी के पावर का 9.14 पैसा, उससे नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी। तो मतलब जीबी के पावर का जैसे कि बैंक करप्शन को लेके जो अपडेट आया उसके बाद देखते हैं तो शेयर का प्राइस जो बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। बैंक करप्शन के अपडेट आने के बाद जीबी के पावर का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। अभी 8.68 पैसे में ट्रेड कर रहा है, जो प्रीवियस क्लोज प्राइस है 9.14 पैसे का। शेयर अगर देखते हैं मतलब एक दिन का जो यहाँ पे लगभग जैसे अभी 8.68 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और एक साल का देखते हैं तो 2.45 पैसे का इसने लो प्राइस बनाया और हाई प्राइस बनाया 17 रुपीज का दोस्तों। जीबी के पावर का जो मार्केट कैपिटल है जो कि आप देख सकते हैं 1370.75 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एवरेज वॉल्यूम की बात करते हैं जीबी के पावर का, जो कि आप देख सकते हैं शेयर जो यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 3,69,07,277 इसका शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी जो है यहाँ पे पी रेशियो की बात करते हैं जीबी के पावर का 67.19 है, ईपीएस की बात करते हैं 0.13 है। तो जीबी के पावर का शेयर जो अभी बोल सकते कि बहुत ज्यादा जो शेयर का प्राइस डाउन हुआ है इसके बैंक अकाउंट को लेके, इसके इंसॉल्वेंसी को लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीएलटी हैदराबाद का जो ब्रांच है डिक्लेयर्ड जीबी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बैंक करप्ट एंड इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी जो है फॉर डिफॉल्टिंग ऑन लोन ऑफ 18,000 करोड़। दोस्तों यहाँ पे 18,000 करोड़ का जो है जीबी के पावर का जो लोन है उसके ऊपर जीबी के पावर ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया है, जिसको लेके एनसीएलटी मतलब जो हैदराबाद के ब्रांच है उन लोगों ने यहाँ पे जो है मतलब जीबी के पावर को लेके बैंक करप्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जीबी के पावर की कंपनी को, और इन्होंने जो यहाँ पे फिलहाल वो अमाउंट जो है मतलब रिकवर करने के लिए मतलब काम शुरू करने के लिए कहा, जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे जीबी के पावर बैंक करप्ट हुआ है, तो जो इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस में लेके रखा है उनके लिए क्या करना है। देखिए अभी यहाँ पे जो बोल सकते कि जो जीबी के पावर के जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा स्टेक्स है। जीबी का पावर का जो प्रोमोटर्स है जीबी के पावर का, उसके पास एक बहुत ही अच्छा खासा स्टेक्स है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि अपडेट्स है, जैसे कि जीबी के पावर का अगर बैंक करप्ट होता है तो जो शेयर होल्डर्स है उनका क्या है, मतलब अगर कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा या फिर जीबी के पावर के शेयर में मतलब क्या ऐसा अपडेट्स हो सकता है कि प्रमोटर्स जो है हो सकता है कि इसका जो पेमेंट्स है वो डी मतलब जो है क्लियर करे, तो आगे चल के उसमें बहुत सारे हो सकता है कि जीबी के पावर के शेयर में मतलब क्या अपडेट्स है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर बोल सकते हैं कि जिसके पास शेयर है उसको एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए जीबी के पावर के शेयर में। एक दिन में देखते तो जीबी के पावर का शेयर देख सकते उसमें बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। अभी यहाँ पे मतलब 5 डेज में देखते तो जीबी के पावर के शेयर का प्राइस आप देख सकते हैं 5 डेज में जो है यहाँ पे 10.24 पैसा, उसके बाद शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। और वही दोस्तों बात करते हैं 1 मंथ में जीबी के पावर का शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त
डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बोल सकते हैं कि कंपनी का जो यहाँ पे लोन बताया जा रहा है जो कि 18,000 करोड़ के आसपास का लोन है जीबीके पावर का, उसके चलते जो रीपेमेंट का काम अभी शायद से शुरू होने वाला है। जो लेंडर्स उन लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है कि जीबीके पावर का जो लोन है उन लोगों ने वो रीपेमेंट नहीं किया है, उसका जो अभी रीपेमेंट का काम शुरू हो सकता है। अभी यहाँ पे एक दिन में देखेंगे तो जीबीके पावर का शेयर जैसे कि अभी 8.68 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 का जो शेयर का जो लो प्राइस है 2.45 पैसे का, 52 का जो हाई प्राइस है 17 रुपीज का। दोस्तों प्रीवियस क्लोज प्राइस जो है जीबीके पावर का 9.14 पैसे का, एवरेज वॉल्यूम की बात करते हैं 4.10 मिलियन का जो है एवरेज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है जीबीके पावर में। और मतलब शेयर्स का अगर देखते हो तो जीबीके पावर के शेयर्स में जैसे कि अभी का प्राइस जो है डाउन चल रहा है। देखिए कंपनी का देखेंगे तो Q4 24 में उतना कुछ अब मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ है कंपनी का जीबीके पावर का। अगर प्रॉफिट वगैरह देखिए जो इसने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि 24 में रेवेन्यू आप देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो है 49.06% डाउन हुआ है। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं 33.14% डाउन हुआ है इसका। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस जो 114.95% इंक्रीज हुआ है। एंड ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं 83.19% डाउन हुआ है। एंड कंपनी का जो बोल सकते प्री टैक्स इनकम है जो कि 92.36% डाउन हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर जो है 19.16% डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए Q4 24 में कंपनी का कुछ मतलब इतना जबरदस्त बिजनेस नहीं बोल सकते कंपनी का हुआ है, उतना अच्छा खासा बिजनेस नहीं हुआ है। कंपनी का भी प्रॉफिट वगैरह कुछ खास नहीं है। तो हमें नहीं लगता है दोस्तों कि जीबीके पावर जैसे शेयर्स में एक बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस वगैरह रखना चाहिए या फिर जीबीके पावर्स में अभी जो है खरीदारी करना चाहिए। देखिए जीबीके पावर्स में हमें लगता है कि अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस में शेयर्स में खरीदारी करके रखा है जीबीके पावर का, उनको यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। जीबीके पावर का अगर आप देखते हैं तो शेयर जो है अगर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है जो कि 18,000 करोड़ का है, जो मतलब जीबीके पावर का जो सब्सिडियरी कंपनी है उसने लिया था और जीबीके पावर यहाँ पे एज अ गारंटर है। तो जीबीके पावर को जो है अभी इतने सारे अमाउंट जो है यहाँ पे क्लियर करना है। तो अगर जीबीके पावर यहाँ पे इतने सारे अमाउंट्स क्लियर कर हो सकता है कि जीबीके पावर के मतलब कंपनी में या फिर कंपनी या फिर आगे चल के शेयर्स में थोड़ा बहुत तेजी बने। हमें नहीं लगता कि दोस्तों जीबीके पावर का जो शेयर है इतना ज्यादा मतलब जो 18,000 करोड़ का लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए काम करेगा। अभी यहाँ पे देखते तो जीबीके पावर के जो मतलब बोल सकते प्रोमोटर्स के पास फिलहाल बोल सकते कि अच्छा खासा स्टेक्स है जीबीके पावर में। और जीबीके पावर में देखेंगे तो मतलब टेक्निकली भी अगर बात करते तो शेयर जो है कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। शेयर जो है यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है जीबीके पावर का। आपको कैसा लगता है दोस्तों जीबीके पावर का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।